में दर्द हो रहा है? कहां पे हो रहा है, किस हिस्से में? कमर का दर्द पूरी टांग में जा रहा है आपके। कब से, कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? दो हफ्तों से हो रहा है। क्या हो गया था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? जिम में वजन उठाया था। अच्छा, जिम में वजन उठा लिया था। आज यहाँ से बैठ जाइए। बैठने में दिक्कत हो रही है और बहुत ज्यादा दर्द है, नीचे टांग में, पूरी टांग में तक जा रहा है। यहाँ से लेके कोई पैर में सूनापन या कोई झंझनाहट? हाँ जी सर। क्या लग रहा है? सूनापन झंझनाहट, सूनापन और झंझनाहट, मेरी पूरी टांग में सूनापन झंझनाहट जा रही है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मरीज के कमर में दर्द होता है जो कि उसकी एक टांग में पूरा नीचे चला जाता है, और वो दर्द जो होता है वो अक्सर पैर को सूना भी कर देता है, उसमें झंझनाहट होती है और चींटी के काटने जैसा कुछ लोगों को फील होता है। इस दर्द को हम लोग शाइटिका का दर्द बोलते हैं, या इसी दर्द को हम पटनाल बोलते हैं, इसी दर्द को हम लोग कई बार जो है पीआईवीडी या डिस्क का भी दर्द बोलते हैं। इस बीमारी के अंदर ये जो दर्द होता है, खड़े हो जाइए, ये दर्द होता है, ये कमर के नीचे के हिस्से से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और कूल्हे से होते हुए पूरी टांग में नीचे तक जाता है। कभी कभी ये पंजों तक भी चला जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे पैर सो गया हो। हम कई बार एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं और पैर सोने लग जाता है, उस तरह से होता है। आप लेट जाएं। आखिरकार ये दर्द होता कैसे है? क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी बनी होती है वो हमारी हड्डियों से, अलग अलग हड्डियों से, उनके बीच में डिस्क होती हैं जिनको हम लोग मनके भी बोलते हैं। कभी कभी ये मनके थोड़े बहुत आगे या पीछे की तरफ सरक जाते हैं, जिससे जो बारीक नसें पीछे रीढ़ की हड्डी से होकर निकलती हैं और एक बड़ी नस जिसे हम शाइटिका नर्व बोलते हैं, पटनाल बोलते हैं, उसके ऊपर दबाव डालती है, जिसकी वजह से ये नस पे डिस्क का चढ़ जाना और फिर पूरे टांग में दर्द का नीचे उतरना, इसी को हम लोग शाइटिका कहते हैं। वो बड़े अंगूठे की तरफ या छोटी उंगली की तरफ भी जा सकती है। कुछ लोगों के अंदर ये दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो परेशान कर लेता है। आज हम जानेंगे आखिरकार ये शाइटिका का दर्द होता कैसे है, इससे बचा कैसे जाता है, और बाद में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिसको कर लेने से घर पे ही 5 मिनट में ही इस दर्द में आपको आराम पड़ जाएगा, दवाई लिए बगैर भी। तो ये दर्द अक्सर क्या होता है कि जब हमारी डिस्क पीछे सरक जाती है और बारीक नसों का दबा लेती है तो इस दर्द की शुरुआत होती है। लोग शुरुआत में कहते हैं कि उनके कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द है, बाद में अल्टीमेटली एक नीचे वाला हिस्सा दर्द खत्म हो जाता है और एक टांग में, अक्सर राइट या फिर लेफ्ट, किसी एक टांग में दर्द नीचे की तरफ जाता है। कुछ लोगों को ये दर्द दोनों टांगों में भी हो सकता है, जैसे वो लोग चलते हैं या खड़े होते हैं, कुछ देर चलने के बाद ही ये दर्द उनको परेशान कर लेता है, और ये दर्द बहुत ही खतरनाक होता है। इसको आप घर पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये एक शाइटिका का ही दर्द है? जैसे इन भाई साहब की राइट टांग में दर्द हो रहा है तो हम इनको सीधा लेटा के स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट से आप ये पता लगा सकते हैं क्या ये दर्द शाइटिका का ही है या कोई इसकी अन्य वजह है। जो ठीक वाली टांग है उसको सीधा ऊपर उठाएं। जैसे जो ठीक टांग है उसको देखिए, पेशेंट काफी हद तक ऊपर उठा पाते हैं, ये 90 डिग्री के लगभग पहुंच गए हैं, मगर इनको कोई तकलीफ तो नहीं है, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है। और यदि हम इस वाली टांग जिसमें दर्द था उसको, इसको भी उठाएं, इसको उठाने में अब दर्द हो रहा है। अब इस पोजीशन पे जैसे उठते ही उनको बहुत ज्यादा खिंचाव और दर्द महसूस हो रहा है। यदि इस तरह की चीज बनती है तो ये दर्द शाइटिका का ही दर्द कहलाएगा। वो लोग जो जिम में वजन उठाते हैं बगैर बेल्ट लगाए, या अचानक आगे झुक के वजन उठाते हैं, या वो लोग जो गलत पोस्चर पे बैठते हैं बाइक्स में या कार्स में जिनको जर्क ज़्यादा लगते हैं, उनके डिस्क के हिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और एक बार डिस्क यदि हिल जाती है तो वो बहुत परेशान कर लेती है। तो बचने के उपाय डिस्क के सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप किसी प्रकार का कोई वजन ना उठाएं भारी, सामने झुककर वजन ना उठाएं, और अपने बैठने का जो पोस्चर है उसको हमेशा ठीक रखें, हमेशा अपनी कमर को सीधा करके ही बैठें। जब भी आपको कभी बैठना हो इस तरह से आगे की तरफ झुककर बैठने से सारा प्रेशर कमर पर आता है, जो कि आपकी डिस्क मनको की सेटिंग को खराब कर देता है। तो सबसे अच्छा तरीका डिस्क से बचने का तरीका क्या है कि हम एक एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे, उसको कर लेने से ये डिस्क का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। आप अपने एक बार जूते उतार लें ध्यान से।
वो लोग जिन लोगों को शैटिका का या कमर के और भी दर्द हैं, वो अपने घर पर ही एक एक्सरसाइज डेली सुबह 5 मिनट या 10 मिनट भी कर लेंगे तो पहले दिन से ही उनको आराम आना शुरू हो जाएगा। आप अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से मोड़ लें। दोनों घुटनों को मोड़ने के बाद एक तरफ आपको अपने दोनों घुटने इधर करके जमीन में लगाने हैं, कंधे को आपने जमीन में लगे रहने देना है, ये दोनों पैर आपके नीचे पूरे जमीन तक लगने चाहिए। उसके बाद आप इसको दूसरी पोजीशन में ले जाएं, उसमें दोनों घुटने उधर जमीन में लगाएंगे और कंधे हमेशा जमीन में लगे रहेंगे। जिस तरफ घुटने जाएंगे उसके अपोजिट साइड आपकी गर्दन आनी चाहिए। ऐसा करने से कमर की ये जो पोर्शंस हैं उनकी सेटिंग ठीक हो जाती है। उसके बाद एक लास्ट पोजीशन क्या है कि आप अपनी कमर को ऐसे रखेंगे और धड़ को शरीर के ऐसे ऊपर उठाएंगे। ऐसे ऊपर उठाने से ये पोर्शन हमारा स्ट्रेंथन होता है, यहाँ की मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और जो सेटिंग्स है वो ठीक हो जाती है। ये एक्सरसाइज डेली सुबह और शाम 5 या 10 मिनट भी कोई बंदा कर लेता है तो उससे उसकी कमर का दर्द, शाइटिका का दर्द बहुत ठीक हो जाता है। आप एक बात जानेंगे कि ये प्रॉब्लम अक्सर लंबी चलती है, क्रोनिक चलती है, एक बार हो जाती है, बार बार होती है, फिर से ठीक नहीं होके देती है। तो इसीलिए जो पोस्चरल चेंजेस हैं, मतलब आप अपनी बॉडी के पोस्चर को ठीक मेंटेन रखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो शाइटिका के दर्द से निजात पा सकते हैं। वो लोग जिनके अंदर ये ठीक नहीं होता, आराम नहीं होता, उसमें MRI करा के आगे फर्दर टेस्ट करा के कई बार देखना पड़ता है, और कुछ परसेंट लोगों में जिनमें डिस्क बहुत बड़ी होती है उनमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है। ऑपरेशन उन लोगों में किया जाता है जब पैर कमजोर पड़ने लग जाए, एक पैर दूसरे से पतला पड़ने लग जाए, पैर सुन्न इतना हो जाए कि वो हमेशा के लिए सुन्न हो जाए, साथ में पैरों के अंगूठों की या पंजों की ताकत यदि कमजोर हो जाती है और लैटरिन पेशाब का यदि किसी व्यक्ति को बंधा लग जाता है तो उन लोगों को हम कोडा इक्विना सिंड्रोम कहते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत ऑपरेशन करा लेना चाहिए। थैंक यू करनाल प्लस फॉर मेकिंग सच अ नाइस वीडियो। थैंक यू सो मच।